What's up, hey guys, I am Aryan and it's welcome back to another video. So guys, कैसे हो सारे? I hope आप सब अच्छे होंगे. So I know guys, मैं बहुत time बाद video upload कर रहा हूँ because guys, मैं बहुत ज़्यादा busy था. और thank you so much guys, जो आप लोगों ने मुझे इतना support किया guys, मेरे YouTube channel पर 1K subscriber पूरे होंगे. So guys, दिल से शुक्रिया. और guys, अब इस channel पे regular video आते ही रहेंगे. तो guys, ऐसे ही support करते रहो. So guys, कल ये वाला post मैंने Instagram पर post किया था, जो New Year का post था. So guys, काफी लोगों ने बोला था कि भाई इसका tutorial डाल दो. सो गाइज, मैंने फाइनली इसका ट्यूटोरियल लेकर आ गया हूँ. सो गाइज, वीडियो को पूरा वॉच कर लो. तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो गाइज, आपको सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है. और ओपन करने के बाद गाइज, ये वाले बैकग्राउंड और पीएनजी को आपको डाउनलोड कर लेना है. और वो आपको पता है कहाँ मिलेगा, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से इजीली डाउनलोड कर लेना. सो गाइस, हम लोग यहाँ बैकग्राउंड लेने के बाद हम लोग सिंपली चलते हैं यहाँ से ऐड फोटो पर और लेकर आएंगे अपना कटआउट मॉडल का पीएनजी. सो गाइस, मैंने अपना बैकग्राउंड का कटिंग पहले ही कर लिया. सो अभी तक आप कटआउट का वीडियो नहीं देखते, वीडियो देख लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इजीली वहाँ से चेक कर सकते हो. और गाइस और भी वीडियो आएंगे बैकग्राउंड कटिंग है. सो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और नोटिफिकेशन को दबा के रखो, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहले जाता रहेगा. सो गाइज, ये वाला ऐसे एडजस्ट करने के बाद हम लोग सिंपली अभी सेव नहीं करना है गाइज, हम लोग यहाँ पे भी शैडो क्रिएट करना है. सो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं वापस ऐड फोटो पर और गाइज, ये वाला शैडो का पीएनजी लेकर हम लोग आते हैं. सो गाइज, आप चाहो तो ड्रॉ टूल में भी शैडो क्रिएट कर सकते हो, या चाहो तो ये शैडो का पीएनजी भी यूज कर सकते हो गाइज, कोई दिक्कत नहीं है. सो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको जूम करेंगे और जूम करने के बाद गाइज, हम लोग वहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर लेंगे और गाइज, इसको थोड़ा सा हम लोग स्ट्रेच कर लेते हैं ऐसे. सो सिंपली हम लोग इसको ऐसे स्ट्रेच करने के बाद हम लोग सिंपली ये लेफ्ट वाला लेयर पे चलेंगे और इसको मूव डाउन कर लेंगे. तो गाइज, ये हमारे बैकग्राउंड के नीचे चला जाएगा और सिंपली हम लोग इसको यहाँ से ऐसे अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे. सो ये परफेक्ट लग रहा गाइज. और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली इसके ओपेसिटी को थोड़ा सा हम लोग कम कर देते हैं. हम लोग करते हैं इसको 94 तक रखते हैं, सही है. और उसके बाद गाइज, हम लोग सिंपली इसको डुप्लीकेट कर लेंगे और एक इसका डुप्लीकेट लेयर बनाकर गाइज, हम लोग यहाँ पे अपने पैर के पास रखेंगे. सो इसको भी मूव डाउन कर लेते हैं और इसके स्ट्रेच को हम लोग बढ़ा लेते हैं और साइज छोटा कर गाइज, हम लोग सिंपली ऐसे पैर के पास अच्छे से रख देंगे. सो गाइज, शैडो कैसे क्रिएट करते हैं इसका भी वीडियो एक प्रॉपर आएगा गाइज, आप उस वीडियो को अच्छी तरह देख लेना, आपको प्रॉपर शैडो क्रिएट करने आ जाएगा. सो गाइज, ये ऐसे करने के बाद हम लोग सिंपली एक और डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे और इसको जस्ट हम लोग यहाँ पे रखेंगे और गाइज, इसको भी मूव डाउन कर लेंगे और हम लोग सिंपली इसको और छोटा करके और हम लोग यहाँ पे कर लेंगे ओपेसिटी के, हम लोग डाउन कर लेंगे. सो गाइज, ये परफेक्ट लग रहा है. उसके बाद हम लोग सिंपली यहाँ से डन कर देंगे. और डन करने के बाद गाइज, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली यहाँ से लेकर आएंगे अपना बोतल का पिन, जो हमारा वाइन बोतल है उसका पिन जी लेकर आएंगे. तो हम लोग चलते हैं यहाँ से एड फोटो पर और गाइज, ये रहा हमारा पिन जी. सिंपली हम लोग इसको ऐसे एडजस्ट कर लेंगे. सो गाइज, आपको इसका शैडो क्रिएट करने का ज़रूरत नहीं है, ये शैडो पहले से इसमें क्रिएटेड है. सो आप सिंपली ऐड कर लेना और उसके बाद यहाँ से डन कर देना. और डन करने के बाद गाइज, हम लोग वापस चलते हैं यहाँ से ऐड फोटो पर और लेकर आते हैं अपना वाइन ग्लास का पीएनजी. सो इसको भी हम लोग ऐसे इजीली एडजस्ट कर लेंगे. और एडजस्ट करने के बाद हम लोग सिंपली ऐसे जूम कर लेना है गाइज, और यहाँ से जूम करने के बाद हम लोग सिंपली रेजर टूल पर चलना है और इसको इन्वर्ट कर देना है. और इन्वर्ट करने के बाद हम लोग सिंपली रिस्टोर पर चलना है और हार्डनेस को फुल करना है गाइज, और ओपेसिटी को फुल रखना है और सिंपली हम लोग इसको रिस्टोर कर लेना है ऐसे. सो गाइज, ऐसे थोड़ा आसानी रहता है रिस्टोर करने में, नहीं तो गाइज आप इरेज करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. सो सिंपली आप लोग ऐसे कर लेना है और गाइज, हम लोग नीचे भी कर लेते हैं ऐसे इजीली. सो परफेक्ट है. और उसके बाद हम लोग यहाँ से डन कर देंगे. सो गाइज, यहाँ से डन कर देंगे, हो चुका. और गाइज, इतना होने के बाद हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे अपना ऐड करेंगे 2022 का पीएनजी. सो हम लोग यहाँ से लेकर आते हैं अपना पीएनजी. तो ये रहा पीएनजी हमारा. और गाइज, हम लोग सिंपली ऐसे इसको एडजस्ट कर लेंगे. आप अपने हिसाब से गाइज, जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो. और सिंपली हम लोग यहाँ से डन कर देंगे. और गाइज, इतना होने के बाद हम लोग वापस चलेंगे ऐड फोटो पर और अपना हैप्पी न्यू ईयर का पीएनजी लेकर आएंगे. सो ये रहा पीएनजी हम लोगों का. सिंपली हम लोग इसको भी ऐसे एडजस्ट कर लेंगे और सिंपली हम लोग यहाँ से डन कर देंगे. परफेक्ट गाइज. उसके बाद हम लोग चलते हैं वापस ऐड फोटो पर गाइज, और लेकर आएंगे हम लोग ये कन्फेटी का पीएनजी और हम लोग सिंपली इसको ऐसे यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे. सो गाइज, यहाँ पे इतना परफेक्ट है, हम लोग यहाँ से इसको डन कर देंगे. सो गाइज, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे इतना एडिटिंग डन हो चुका.
और गाइज हम लोग जो कलर ग्रेड करेंगे वो लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर करेंगे। सो गाइज चले चलते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। और गाइज अभी तक आप लाइटरूम को डाउनलोड किए तो डाउनलोड कर लें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइज हम लोग यहाँ से चलते हैं लाइट टूल पर और गाइज हम लोग यहाँ से एक्सपोजर और कॉन्ट्रास्ट सारा कुछ को एडजस्ट करेंगे। सो गाइज सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें कॉन्ट्रास्ट को गाइज हम लोग थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और हाईलाइट को हम लोग कम कर लेते हैं। सो हम लोग हाईलाइट इतना रखते हैं और शैडो को भी बढ़ा लेते हैं। सो हम लोग शैडो इतना करते हैं गाइज, और गाइज वाइट्स को थोड़ा सा कम कर लेंगे। अब ब्लैक को भी हम लोग कम कर लेते हैं, हम लोग इतना कम करते हैं। सो ये परफेक्ट है। उसके बाद गाइज हम लोग चलते हैं यहाँ से कलर्स टूल पे और गाइज हम लोग यहाँ से टेम्परेचर को माइनस साइड कर देंगे गाइज। सो रखते हैं हम लोग इतना और टिंट को माइनस साइड कर देंगे। सो माइनस टू सही है। और गाइज वाइब्रेंस को और सैचुरेशन को नहीं छेड़ना है, हम लोग सिंपली इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद हम लोग सिंपली चलते हैं यहाँ से कलर मिक्सर टूल पर और गाइज हम लोग यहाँ से ह्यू को बढ़ा लेते हैं। सो हम लोग इसको ह्यू को इतना रखते हैं और गाइज सेचुरेशन को भी थोड़ा सा हम लोग प्लस कर लेते हैं। सो हम लोग इसको प्लस करके रखते हैं गाइज 12 सही है। और लुमिनेंस को भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। सो हम लोग इतना रखते हैं और उसके बाद गाइज हम लोग सिंपली चलते हैं यहाँ से ऑरेंज टोन पे और ऑरेंज टोन में गाइज हम लोग ये जो लुमिनेंस है इसको बढ़ा लेते हैं। सो हम लोग इसको इतना रखते हैं और गाइज ह्यू को हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा प्लस तरफ। सो हम लोग प्लस 15 कर लेते हैं और सेचुरेशन को भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। सो हम लोग इतना रखेंगे गाइज। और उसके बाद गाइज हम लोग चलेंगे यहाँ से येलो टोन पर और गाइज येलो टोन के ह्यू को हम लोग कर लेंगे माइनस तरफ। सो हम लोग रखते हैं इसको माइनस इतना और सेचुरेशन को बढ़ा लेंगे। सो हम लोग सेचुरेशन को रख देंगे गाइज 24 और लुमिनस को भी बढ़ा लेंगे हम लोग कर लेते हैं 22 परफेक्ट है। उसके बाद हम लोग सिंपली चलते हैं यहाँ से ग्रीन टोन पर और गाइज ग्रीन टोन के ह्यू को कर लेना है माइनस तरफ। सो हम लोग ग्रीन टोन के ह्यू को रखते हैं माइनस इतना और सेचुरेशन को गाइज हम लोग डाउन कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोग सिंपली चलते हैं यहाँ से स्काई ब्लू टोन पर और गाइज इसके सेचुरेशन को हम लोग कर लेते हैं माइनस तरफ। सो हम लोग इसको रखते हैं माइनस 37 और ह्यू को भी गाइज हम लोग कर लेते हैं माइनस तरफ। सो परफेक्ट है। उसके बाद हम लोग सिंपली चलते हैं यहाँ से ब्लू टोन पर और गाइज इसके ह्यू को हम लोग कर लेते हैं माइनस तरफ। सो हम लोग माइनस इतना रखते हैं और सेचुरेशन वाइज हम लोग माइनस 8 रखते हैं और लुमिनस को गाइज हम लोग बढ़ा लेते हैं। सो हम लोग इसको रखते हैं 16 प्लस में और उसके बाद हम लोग सिंपली चलते हैं यहाँ से पर्पल टोन पर और सेचुरेशन वाइज हम लोग इसका कम कर लेते हैं और लुमिनस को बढ़ा लेते हैं। सो यहाँ पर सही है। उसके बाद हम लोग सिंपली चलते हैं यहाँ से पिंक टोन पर और पिंक टोन का सेचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और लुमिनस को भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। सो गाइज यहाँ पे ये परफेक्ट हो चुका। उसके बाद हम लोग सिंपली यहाँ से डन कर देंगे। और गाइज डन करने के बाद अब हम लोग वापस चलते हैं यहाँ से ये कलर ग्रेडिंग टूल पर और गाइज हम लोग यहाँ से सबसे पहले चलते हैं हाईलाइट पर। हाईलाइट पर जाने के बाद गाइज हम लोग सिंपली यहाँ से ये वाला एरो को ओपन करेंगे और गाइज हम लोग इसके सेचुरेशन को बढ़ा लेते हैं। सो हम लोग इस सेचुरेशन को रखते हैं गाइज इतना 27 सही है गाइज। उसके बाद हम लोग इसके ह्यू को बढ़ा लेते हैं। सो हम लोग इसके ह्यू को रखते हैं गाइज यहाँ पे सही लग रहा है। सो मैं इसको इतना रखता हूँ और गाइज हम लोग इसको इतना ही रहने देते हैं और उसके बाद यहाँ से डन कर देते हैं। सो परफेक्ट है। उसके बाद गाइज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलते हैं यहाँ से ये इफेक्ट टूल पर और गाइज क्लियरिटी को हम लोग थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और विगनेट को थोड़ा सा हम लोग कम कर लेते हैं। सो ये ज़्यादा हो गया, प्लस तरफ हो गया, माइनस तरफ कर लेते हैं। सो माइनस 10 सही है। और गाइज इसके बाद हम लोग इसमें ग्रेन्स ऐड कर देंगे। सो हम ग्रेन्स रखते हैं इसको 21 परफेक्ट है। उसके बाद गाइज हम लोग चलेंगे यहाँ से डिटेल टूल पर और यहाँ से शार्पनिंग को बढ़ा लेते हैं। सो शार्पनिंग रखते हैं 33 और नॉइज रिडक्शन को थोड़ा सा हम लोग बढ़ा कर लेते हैं 15 प्लस तरफ सही है। और गाइज इतना कुछ होने के बाद अब हम लोग चलते हैं यहाँ से ये लाइट टूल पर और गाइज हम लोग यहाँ से चलते हैं कर्व पर और हम लोग इसमें थोड़ा सा कर्व ऐड करेंगे। सो गाइज हम लोग यहाँ से सिंपली 3 डॉट ऐसे क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद सिंपली गाइज हम लोग ऐसे इसको कर देंगे। सो ऐसे इतना सही है गाइज। और गाइज इतना होने के बाद हम लोग सिंपली चलते हैं यहाँ से ब्लू कर्व पर और गाइज हम लोग यहाँ से ये वाला जो हाईलाइट वाला कर्व है इसको थोड़ा सा डाउन कर लेंगे। सो हम लोग इसको इतना रखते हैं और गाइज एक यहाँ पे कर डॉट बनाएंगे, एक यहाँ पे डॉट बनाएंगे और सिंपली हम लोग इसको थोड़ा सा डाउन कर देंगे यहाँ पर ऐसे। और गाइज इसको भी हम लोग थोड़ा सा नीचे साइड लेकर आ जाएंगे। सो हम लोग इतना रखते हैं और यहाँ से डन कर देंगे। सो गाइज यहाँ पे ये परफेक्ट है, आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। सो गाइज यहाँ पे एडिटिंग डन हो चुका है। और गाइज वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और गाइज आप सबको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर और गाइज मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।